छिंदवाड़ा में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की सबसे अधिक संख्या परासिया में बढ़ी है। इसके बाद ग्राम पंचायत में क्वारंटीन सेंटर के लिए हॉल तैयार किया जा रहा है। परासिया SDM तहसीलदार समेत प्रशासनिक अधिकारियों ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए बैठक की। ग्राम पंचायत के सचिवों के साथ बैठक में हर ग्राम पंचायत के सचिवों को समझाया गया और सभी को आदेश दिया गया कि सभी ग्राम पंचायतों में क्वारंटीन करने के लिए हॉल बनाए जाएंगे, क्योंकि सबसे अधिक कोरोना संक्रमितों की संख्या परासिया में हो गई है और क्वारंटीन में लोग छात्रावास में रखे गए हैं। सभी छात्रावास भर गए हैं और ये संख्या बढ़ती जा रही है, इसीलिए इस संक्रमितों की संख्या देखते हुए सभी ग्राम पंचायतों के सचिव को अपने अपने गाँव में क्वारंटीन में रहने वालों के लिए छोटी छोटी सुविधा का ध्यान रखे जाने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। पूरे 91 ग्राम पंचायतों के ग्राम सचिवों को बैठक में बुलाकर SDM महोदय की अध्यक्षता में बैठक ली गई। उसमें उन्हें जो कलेक्टर महोदय द्वारा प्राप्त निर्देश हैं कि प्रत्येक ग्राम स्तर पर एक शेल्टर होम संचालित किया जाना है, उस संबंध में चर्चा की गई है। वैसे हमारे पूरे 91 ग्राम पंचायतों में प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक एक शेल्टर होम तो बन चुका है, लेकिन उसमें जो कुछ कमियां हो सकती हैं उन कमियों को कैसे सुधारना है, क्या क्या मिनिमम बेसिक प्रोटोकॉल हैं जो हमने निरीक्षण में कमी पाई थी कई कुछ कुछ जगहों में, तो वो जैसे प्रकाश संबंधी व्यवस्था है या प्रत्येक रूम में दो से अधिक बिस्तर नहीं लगाना है, उनके लिए जो खाने की व्यवस्था होगी जो परिजनों के माध्यम से अन्य परिजनों के माध्यम से की जाएगी, या फिर उनके लिए चाय बिस्कुट नाश्ते की व्यवस्था है जो पंचायत खुद अपने लेवल में देख लेगी, ऐसी छोटी छोटी जो व्यवस्थाएं हैं उस संबंध में जिनको विशेष जानकारी दी गई है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गाँव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।